हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। देखो आज मैं चर्चा करने वाला हूं दो एप्लीकेशंस के बारे में, थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं। पहला एप्लीकेशन था मित्रो ऐप। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, मित्रो ऐप, जिसे हम इंडियन समझ करके उसके बहुत सारे डाउनलोड्स हो चुके थे, 50 मिलियंस के करीब डाउनलोड हो चुके थे। और इसके बारे में मैंने इसकी सच्चाई आपको पहले बता दी है, वो वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन दबा दो यार, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और जो दूसरा ऐप है जिसके बारे में चर्चा करने वाला हूं, वो है बहुत ही ज्यादा डाउनलोड होने वाला इंडियन एप्लीकेशन, जिसका नाम था रिमूव चाइना ऐप। जी हां, चाइना के एप्लीकेशन का बहिष्कार करने वाला एक एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में मौजूद था। तो दोस्तों आज हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यार अगर आपने अब तक चैनल को नहीं किया है ना सब्सक्राइब, तो भाई कर दो यार, फ्री में होता है। और साथ साथ जो घंटी है ना, उस घंटी को भी ठोक दो, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि देखो, जो मित्रो ऐप है वो ऐप था पाकिस्तानी, जैसा कि मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि पाकिस्तानी एक ऐप था जिसे 2500 रुपए में हमारे एक इंडियन बंदे ने खरीदा था। और वो एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, रिस्की था, जिसके लिए आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने भी ये कह दिया था कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो वो एप्लीकेशन आज के डेट में क्या हुआ है कि उस एप्लीकेशन को जो हमारा प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर ने टेक डाउन कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि टेक डाउन का मतलब क्या है। तो दोस्तों टेक डाउन का मतलब है उसे प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है और वो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं दूसरे एप्लीकेशन के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा हम इंडियंस की जो है ना, बहुत ही ज्यादा पसंदीदा एप्लीकेशन था। और वो एप्लीकेशन क्या था, वो एप्लीकेशन था रिमूव चाइना ऐप। जी हाँ, रिमूव चाइना ऐप, मतलब कि आपके फोन में अगर चाइनीज ऐप मौजूद है। देखो ऐसे तो क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि कौन सा एप्लीकेशन जो है वो चाइनीज डेवलपर ने तैयार किया है, कौन सा इंडियन डेवलपर ने किया है, या फिर किसी और कंट्री के डेवलपर ने उसे रेडी किया है। क्योंकि देखो भाई, जो चाइनीज डेवलपर्स है ना, उन्होंने डेवलप जो भी एप्लीकेशन किया होगा वो एप्लीकेशन थोड़ा सा रिस्की तो रहता ही है। जैसे हम क्लीन मास्टर के बारे में पहले ही जान चुके हैं, जैसे कि ट्रू कॉलर एक एप्लीकेशन था, इसी तरह से रैम बूस्टर करके एप्लीकेशन था, और यूसी ब्राउजर टाइप का एप्लीकेशन जो कि हमारे मोबाइल को बहुत ज्यादा रिस्की बना देता था। मतलब ये होता था कि हमारे मोबाइल का जो डेटा है वो डेटा वो आसानी से ट्रांसफर करता था। तो इस तरह के जो भी एप्लीकेशन थे, जो चाइनीज डेवलपर द्वारा रेडी किए वाले एप्लीकेशन थे, उन एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी देने वाला एक एप्लीकेशन था जो इंडियन था, प्योरली इंडियन ऐप, जिसे नाम दिया गया था रिमूव चाइना ऐप। अब ये काम कैसे करता था, आप इसे प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते थे, और डाउनलोड करने के बाद अगर आप इसको फोन में इंस्टॉल कर ले और सर्च करें तो वो आपको बता देता था कि आपके जो मोबाइल है उसमें कौन कौन से चाइनीज डेवलपर द्वारा डेवलप किए वाले एप्लीकेशंस मौजूद है, और वो आसानी से उन सबको रिमूव कर सकता था। लेकिन आज के डेट में क्या हुआ कि वो एप्लीकेशन भी देखो आज प्ले स्टोर में मौजूद नहीं है, प्ले स्टोर से उसे भी प्ले स्टोर ने टेक डाउन कर दिया है। दैट मींस वो एप्लीकेशन भी जो प्ले स्टोर है वहां से रिमूव हो चुका है दोस्तों। और अगर आप आज के डेट में जाकर के रिमूव चाइना ऐप करके सर्च करेंगे प्ले स्टोर में, तो वो एप्लीकेशन आपको नहीं मिलने वाला। तो प्ले स्टोर भी ये चाहता है कि हम जो है चाइनीज ऐप का बहिष्कार ना करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई क्लीन मास्टर टाइप के ऐप हमारे पास होंगे, मौजूद हैं हमारे पास, और भी यूसी ब्राउजर टाइप के हमारे पास एप्लीकेशंस मौजूद हैं। तो भले ही हमारे पास रिमूव चाइना ऐप ना हो, लेकिन हम वॉलेट से जवाब, जैसा कि हमारे फुनसुक वांगड़ू कह रहे थे, फुनसुक वांगड़ू, अरे भाई बिल्कुल आपने सही सोचा, मैं उन्हीं फुनसुक वांगड़ू की बात कर रहा हूं जो मूवी में फुनसुक वांगड़ू बनकर के आए थे, लेकिन ओरिजिनली फुनसुक वांगड़ू वो नहीं है, उनका नाम कुछ अलग है। जो आज के डेट में बोल रहे हैं कि सेना जवाब देगी बुलेट से और हम जवाब देंगे वॉलेट से। तो जी हां दोस्तों, हमें वॉलेट से जवाब देने की जरूरत है, उनका इनकम सोर्स खत्म करने की जरूरत है। और उसके लिए क्या करना है, देखो भाई उसके लिए हमें एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। जो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर ने रिमूव कर दिया वो तो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल था,
लेकिन प्ले स्टोर ने इतना घटिया काम किया ना, क्यों देखो भाई उसका भी बिजनेस है शायद, वो भी चाहता है कि चाइनीज ऐप जो है वो काफी ज्यादा फैले और उससे उनको उसको इनकम हो, तो शायद इसीलिए उसने उस एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि चाइना ने उसके ऊपर कंप्लेन किया हो जिसकी वजह से उसने रिमूव किया। तो कोई बात नहीं भाई, लेकिन हम वॉलेट से जवाब देना जानते हैं। हम कैसे देंगे वॉलेट से जवाब? जितने भी चाइनीज ऐप है हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं यार, जो जो हम जानते हैं जिस जिस ऐप को कि इस ये जो ऐप है ये चाइना से बना हुआ है, हम सब उसको रिमूव करने वाले हैं दोस्तों। तो बस यही जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा ना तो भाई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी चलता हूं दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि यार अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो अभी कर दो यार, और साथ साथ बजा दो बेल, क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।